नमस्कार, मैं हूं दिबांग। अनकट खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज मेरे खास मेहमान हैं कू के को फाउंडर मयंक बिदावत का। कू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। मयंक, अगर मैं आपसे पूछूं कि कू है क्या, दो वाक्यों में आप कैसे बताएंगे कू के बारे में? सर, कू एक ऐसा मंच है जहां लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और दूसरे लोग उनको फॉलो करके उनके विचार पढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब दो वाक्यों में आपने पूरा बता दिया। ये बताइए कि ये ट्विटर से कैसे अलग है? जी, सबसे बड़ा फर्क है हमारी दृष्टिकोण में। ट्विटर पैदा हुआ अमेरिका में, जहां पे सब लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पे हजारों भाषाएं हैं, तो हमने जो कू चालू किया, 1.5 साल हो गए। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि इतनी भाषाओं में लोग हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो अंग्रेजी में बात नहीं करते। इंटरनेट इतना प्रोग्रेस कर दिया है, कर चुका है दुनिया में, मगर कई भारतीय अभी भी उसके अंदर अच्छी तरह से भाग नहीं ले पा रहे, अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, दूसरे लोगों से अपनी भाषाओं में बात नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन लाना चाहिए। और जब हम यहाँ के हैं, हमको यहाँ की समस्याएं समझ में आती है कि ऐसे कई लोग हैं जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, उनको अपने भाषाओं के लोगों के साथ कनेक्ट करना है, विचार व्यक्त करने हैं, उनके विचार पढ़ने हैं, तो उसको आसान बनाना बहुत ज़रूरी था। हमने देखा कि ट्विटर पर या और कोई भी प्लेटफॉर्म पर बहुत कम कंटेंट है भारतीय भाषाओं में, चाहे वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी भाषा आप ले लें, बहुत ही कम है। मतलब आप स्टेट का साइज देखेंगे, जैसे कर्नाटका 6-7 करोड़ लोग हैं, बहुत कम ट्वीट आपको मिलेंगे, 600-800 ट्वीट। इसका मतलब बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है वो। तो इन लोगों को आप एक ऐसा मंच दीजिए जहाँ पे उनको विचार व्यक्त करने में झिझक नहीं हो, आराम से कर सकें। उनको ऐसे टूल्स चाहिए, उनको आपको पूछना पड़ेगा आते ही ऐप में कि आप कौन सी भाषा बात करते हैं, उसके मुताबिक आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाएंगे। अगर आपको कुछ विचार व्यक्त करना है तो आपको कीबोर्ड दिया जाएगा जो कन्नड़ में आप टाइप कर सकते हैं। अगर टाइप नहीं करना है तो ऑडियो है, वीडियो है, ये आप कन्नड़ में बात कर रहे हैं, ये बाकी के लोग हैं जो यही भाषा में बात करते हैं, उनके साथ आप जोड़ सकते हैं। तो ऐसा करके हमने भारतीय भाषाओं को, भारतीय लोगों को पहले समझा कि उनको क्या चाहिए और वैसे प्रोडक्ट बनाया। जो भी अमेरिकी कंपनी है, चाइनीज कंपनीज हैं, वो लोग थोड़ा ऊपर ही काम करके, कुछ ट्रांसलेशन सर्विस करके प्रोडक्ट्स दे देते हैं ताकि बाकी की दुनिया उसको यूज़ कर सके। मगर हमारे लिए ये पहला मोड़ था और यहीं से शुरुआत की कि अगर इमर्सिव एक्सपीरियंस देना है लोगों को भाषाओं में तो वो कैसे दिया जाए। जी, तो अगर यूं कहें कि कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है, ये दो चिड़ियाओं की है, एक नीली चिड़िया है ट्विटर की और एक पीली चिड़िया है कू की। कू की जो कूक बढ़ी है इतने कम समय में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कहाँ तक है आंकड़ा अभी? जी, हमने सोचा नहीं था कि इतनी ग्रोथ होगी सिर्फ 1.5 साल में। काफी लोग जुड़े हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, पॉलिटिक्स से हैं, एडिटर्स, जर्नलिस्ट, कई सारे लोग जुड़े हैं इससे। और काफ़ी जल्द ही इसका ग्रोथ हुआ है, करोड़ों लोग जुड़े हैं इससे। ऐसी आशा नहीं थी कि इतना सब हो जाएगा इतने कम समय में। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बात की थी पिछले साल अगस्त में, उनके मन की बात स्पीच में। तो हमें लगता है कि भारत का जो पॉपुलेशन है, उसका जो जो अपॉर्चुनिटी है, कई लोग इंटरनेट पे आएंगे। भारत एक तो बहुत बड़ा देश है, दूसरा है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। मतलब 20-30 करोड़, 40 करोड़ लोग अभी भी इंटरनेट पे आने वाले हैं, जो कि आप अगर देखेंगे यूएस का तो पॉपुलेशन 30 करोड़ है। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको और कहाँ मिलेगा नहीं। और हम यहीं के हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो यूज़र्स हैं भारत के, उनको अच्छी तरह से समझें और उनके नीड के मुताबिक ये प्रोडक्ट को बनाते रहें। हमने शुरुआत की
माइक्रो ब्लॉगिंग फॉर्मेट से, क्योंकि बहुत आसान है लोगों को अपने विचार दूसरों के सामने रखना एक माइक्रो ब्लॉगिंग फॉर्मेट में, मगर हम हमारा फ्यूचर ये नहीं है। हमारा फ्यूचर है कि हम यूजर्स को समझेंगे और उनके लिए जो जो फीचर्स मतलब रखते हैं वही बनाते रहेंगे। पर इसमें आपको ये शुरू में चुनौती नहीं लगी कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हम बना रहे हैं? कहा यह जाता कि भारतीय जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है, बात ही नहीं खत्म होती उनकी। जी आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है भारत में सबके पास कोई ना कोई चीज पर ओपिनियन रहती है और बातूनी लोग हैं हम सब। हमको अच्छा लगता है सोशल एनवायरनमेंट में रहना, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कई सारे कू करते हैं दिन में, एक ही कू नहीं, तो चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो या लिखित हो, ऐसे लोग हैं जो सौ सौ कू कर देते हैं दिन में। तो जी हाँ, ये बताइए कि नेता इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर अब बड़े राज्यों में चुनाव भी हैं, कैसे वो इसका इस्तेमाल करते हैं? जी उनका जो डेली अपडेट रहता है कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या सोच रहे हैं, लोगों को भी पता लगाना रहता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी हैं वो आज क्या सोच रहे हैं, आज क्या काम हुआ है, उनके उनके दिमाग में क्या है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है उनसे जुड़े रहने का। वो अपडेट देते रहेंगे, लोगों को पता चलता रहेगा और उनको पता भी चलता है कि लोगों को पसंद आया कि नहीं। जब उनके लाइक बढ़ते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, रिएक्शंस बढ़ते हैं, उनके कमेंट्स में योगी जी और उनके टीम को पता लगता है कि लोगों को ये बात पसंद आई नहीं आई। जब ये न्यूज़ चैनल पर आते हैं तो हमेशा उनसे इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो जो एक डायरेक्ट कनेक्ट रहता है इंसान का दूसरे इंसान से, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत बहुत मजबूत चीज़ है ये। तो उनको ये चाहिए कि जो भी अपडेट्स हैं वो सबसे तेज़ी से लोगों तक पहुंचा सके, और वो चाहते हैं कि अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको पता लगे कि क्या हो रहा है। आपने कहा कि भारत में लोगों की राय हर किसी चीज पर होती है, क्रिकेट पर तो करीब करीब हर किसी की राय होती है, टीम को कैसा होना चाहिए, टीम को कैसा खेलना चाहिए, क्रिकेट का मौसम है, आप कूक को चमकाने के लिए कोई खास कर रहे हैं इस दौरान? सर हमने थोड़े अभी वर्ल्ड कप के वक्त थोड़े विज्ञापन निकाले हैं जो वर्ल्ड कप के टाइम पे दिखना शुरू हुआ। अच्छा। और काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जुड़े हैं कुक के साथ पिछले 3-4 हफ्तों में। वीरेंद्र सहवाग जी भी आए थे, वसीम अकरम जी हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, वेंकटेश प्रसाद, तो अजहरुद्दीन, तो काफ़ी लोग आके अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि ये कुक जो मंच है वो ज़्यादातर भाषाओं में है, इसीलिए हमने कोई की शुरुआत भी की थी। तो कईयों को अभी समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी का इतना बोलबाला नहीं है भारत में, तो कू जैसे मंच पर उनको आकर उनके विचार व्यक्त करने चाहिए। और क्रिकेटर्स से जुड़ रहे हैं लोग, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके साथ कमेंट्स विचार व्यक्त कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमने एक नया सा टैब बनाया है जहाँ पे सब क्रिकेटर्स दिख रहे हैं जो क्रिकेट के सब्जेक्ट से रुचि लेते हैं, ऐसे कई सारे लोग दिख रहे हैं। तो क्रिकेट की काफ़ी बातचीत हो रही है अभी मंच पर। पता चल रहा है कि लोग कैसा फील कर रहे हैं जब मैच चल रहा है, उसके बीच में लोग क्या क्या किस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं, लाइव चैट है, लाइव स्कोर है, तो काफ़ी काफ़ी कुछ हो रहा है क्रिकेट को लेकर। आपने कहा कि आपने अपना पहला टीवीसी अभी बनाया है और उसको आपने जोड़ा है कू किया क्या से, तो कैसे जोड़ा है वो बताएं जरा। जी जो भी अगर आप विज्ञापन निकालते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका ऑफलाइन में भी कुछ इस्तेमाल हो, जैसे अगर किसी ने कुछ स्मार्ट चीज कह दी, कुछ ऐसा अच्छा कहा, तो लोगों को उसको बोलना चाहिए कि कू किया क्या, ये आपने अच्छी बात कही, आपको कू करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जैसे हमने पहले बात की कि सबके पास कुछ ना कुछ विचार रहते हैं कोई ना कोई टॉपिक पर, उनको आकर विचार अपने व्यक्त करने चाहिए ऑनलाइन कू जैसे मंच पर, क्योंकि ये इसी चीज़ के लिए बना है। आज तक बात सिर्फ सोशल सर्कल्स या दोस्तों के बीच सीमित रहती है, मगर अगर आप यही बात
पब्लिकली कह दें, आपके कई सारे फॉलोअर्स जुड़ सकते हैं, काफी लोग आपको रिएक्ट करके लाइक्स देंगे, कमेंट करेंगे, तो आपका भी मन लगा रहता है, आपको लगता है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंस मिल रहा है, आपको एक इम्पोर्टेंस मिलता है फैमिली से, एक इम्पोर्टेंस आपको मिलता है फ्रेंड सर्कल से, यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस बढ़ सकता है ऑनलाइन नए दोस्तों के साथ, नए लोगों के साथ जो आपके विचार सुनना चाहते हैं, आपके विचारों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए कूप या क्या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है, जिससे लोग ये सोसाइटी में अगर कुछ भी अच्छा सुनेंगे तो कहेंगे कि आपने कू किया क्या, ये बात बहुत बहुत अच्छी थी। ये बताइए, आप बार बार इसका उल्लेख कर रहे हैं, जाने माने लोगों को आप कू से जोड़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई खास कदम उठा रहे हैं? जी, ऐसे काफी सारे लोग देखते हैं कि ये इंसान और कहाँ क्या कर रहा है, तो जब कुछ जानी मानी हस्तियां जुड़ती है तो उनके रेफरल से काफी लोग जुड़ते हैं, उनके एक्टिविटीज को लोग देखकर जुड़ते हैं। अगर किसी ने कुछ कहा और वही कू को न्यूज पेपर, न्यूज चैनल में दिखाया जाता है, तो बाकी के लोग देखकर सोचते हैं कि अरे ये तो अपना दोस्त है, ये यहाँ पर इस मंच का इस्तेमाल कर रहा है, अपने विचार रख रहा है, मुझे भी जाना चाहिए। तो ऐसे करके काफी लोग बढ़ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड आर्टिस्ट हो, क्रिकेटर्स हो, स्पोर्ट्स के दुनिया से लोग हो, ओलंपिक्स हो, पॉलिटिशियन हो, काफी सारे लोग ऐसे ही जुड़े हैं। जी, ये बताइए, ये बहुत जरूरी और गंभीर सवाल है मयंक, कि डाटा प्रोटेक्शन पर दुनिया भर में हल्ला है, चर्चा है, चिंता है, आप लोग इस बारे में कितने सेंसिटिव हैं और क्या आपने इसके लिए कदम उठाए? जी, डेटा प्रोटेक्शन की बात यह है कि ये एक पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे मंच जो प्राइवेट सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क रहता है। जो पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म है, लोग उस पर इसलिए आते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ें। जो प्राइवेट सोशल प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जैसे फेसबुक, वहाँ पर लोग आते हैं कि सिर्फ जो लोग मुझे जानते हैं और सिर्फ उन लोगों को जिनको मैंने परमिशन दिया है वो मेरी बात सुन सकें। तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप जो भी डेटा लोग पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि लोग उनको ज़्यादा बेहतर जानें। सिर्फ एक चीज़ का प्रोटेक्शन रहना चाहिए कि जो डेटा यूज़र ने कहा कि ये किसी और के साथ शेयर मत कीजिए, उसको आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। फोन नंबर, ईमेल आईडी, राइट? जब आप एडवर्टाइजिंग शुरुआत करते हैं तो यूजर्स को एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि मेरे प्रेफरेंसेस आप किधर स्टोर मत करिए, उसको विज्ञापन के लिए कहाँ यूज मत करिए। तो जब ही हम शुरुआत करेंगे विज्ञापन की कू में, तब इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और हमारी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, इंडिया के सबसे अच्छे एथिकल हैकर्स कू के साथ काम कर रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी संभालते हैं। तो डेटा हैक या ऐसा कुछ का कोई चांस नहीं छोड़ा है हमने। आप कह रहे हैं कि जो हैकर्स हैं वो आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या करते हैं वो हैकर्स आपके लिए? एथिकल हैकर्स रहते हैं सर, जो लोगों, ये जो भी वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स डिप्लॉय करते हैं आपके ऐप पर। तो एक अनएथिकल हैकिंग होता है जो गलत रीजन के लिए आपके वेबसाइट या इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करते हैं। एथिकल हैकर्स ऐसे लोग रहते हैं जो आपके साथ में काम करेंगे ताकि आपको मदद कर सकें, आपकी सिक्योरिटी को अच्छी करने। अच्छा, एक तो आप मुझे बार बार सर न कहें, मैं आपसे आगे ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ताकतवर लोग हमने देखा कि ट्विटर पर गलत बयानी करते हैं तो उन पर एक लाल झंडा लगा दिया जाता है, क्या कू में भी ऐसी कोई व्यवस्था है? जी, मैंने देखा है कि कई सारे लोग बैन हो चुके हैं ट्विटर पे और काफी बड़ी हस्तियां हैं। हमारे विचार थोड़े अलग हैं इससे कि इंसान गलत नहीं होता, हो सकता है उन्होंने एक बात कह दी हो जान अनजान में, जो हो सकता है गलत हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या इलीगल हो, या तो बात को
मॉडरेट करना चाहिए आदमी को नहीं, तो बहुत ही कम इंस्टेंसेस रहेंगे जहां पे हम किसी इंसान को बैन कर दें। अगर वो रिपीटेड ऑफेंस करते रहें तब जाकर उनको काफ़ी वार्निंग दे दिए कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी वो रिपीटेड ऑफेंस करते रहेंगे तो हो सकता है उनको बैन करें। अगर ऐसा कुछ कर दिया जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है तब बैन कर सकते हैं, मगर अगर जान अनजान में किसी ने कुछ कह दिया तो उनको बैन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके कंटेंट को मॉडरेट कर सकते हैं, उनको समझाया जा सकता है कि ये इस क्लॉज या इस सेक्शन के मुताबिक गलत है, इसीलिए ये कंटेंट को निकाला जा रहा है। मतलब अगर मैं इसमें हल्के में कहूँ तो आपकी जो इस बारे में सोच है वो भी काफी भारतीय है, हम काफी मौका देते हैं सामने वाले को। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो बहुत सोच विचार करके बहुत सारे कस्टमाइजेशंस किए हैं, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत अलग है। हम अमरीकी कल्चर या चाइनीज कल्चर लाकर भारतीयों पे थोप नहीं सकते। अगर आप कमेंट भी करना चाहेंगे तो कू बॉक्स के नीचे लिखा है कि बी रिस्पेक्टफुल। तो जो भी हमारी कल्चरल हैबिट्स हैं उनको कू में दिखाया जाया है। एक बड़ा कू को फायदा हुआ, मैंने पढ़ा कि जब नाइजीरिया में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मुझे हमेशा याद रहता है मोहम्मद बुहारी, क्योंकि बुहारी शब्द भारत में भी इस्तेमाल होता है, उन्होंने वहां से ट्विटर पर झाड़ू लगा दी और कू एक तरीके से वहां जाके अब जम गया है। हम चाहते हैं कि कू पूरी दुनिया में हो। काफी सारे देश हैं जो जिनकी स्थानीय भाषाएं हैं। अगर आप नाइजीरिया भी देखेंगे तो 400-500 भाषाएं हैं, 4-5 बड़ी भाषाएं और फिर काफ़ी सारी स्थानीय भाषाएं हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग अपनी भाषा में जुड़ें। तो हम लॉन्च ऐसे भी करना चाहते थे कोई इंटरनेशनल टेरिटरी में इंडिया के बाहर, जहां हम टेस्ट कर सकें कि कू कैसा चलता है, लोगों का उसके लिए उत्साह रहता है कि नहीं। तो जो नाइजीरिया में हुआ वो काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट था हम लोगों के लिए। हमको पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस चाहिए, अलग देशों में हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं। काफ़ी सारे बड़े लोग ज्वाइन भी किए नाइजीरिया से, तो काफ़ी अच्छा रहा ये एक्सपेरिमेंट। नाइजीरिया की बात हो गई, इसके अलावा आप और बाहर के किन मुल्कों में आपकी नज़र है, कहाँ और आप जाना चाहेंगे? सर जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे देश हैं दुनिया में, जैसे आप साउथ अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, तो सऊदी, वहाँ पे अपनी स्थानीय भाषा है, बहुत ही कम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और उनको जुड़ना है अपने जैसे लोगों के साथ। तो ये पूरी दुनिया में कूद जा सकता है और फोकस वही रहेगा जहाँ पे अंग्रेजी बात नहीं की जाती, कोई स्थानीय भाषा का इस्तेमाल होता है। हमने जो कू में बनाया है, जो प्रोडक्ट में बनाया है, बहुत आसान कर दिया है किसी भी इंसान को दूसरे इंसान से जो अपनी ही भाषा में बात करता है उनसे जुड़ने का, उनको डिस्कवर करने का। अगर वो इंसान दूसरे को जानता भी नहीं है फिर भी उनको एक लिस्ट दिखाया जाता है कि ये सब लोग इसी भाषा में बात कर रहे हैं, तो उनसे उनको बहुत फॉलोअर्स मिलते हैं और एक दूसरे को एक दूसरे के साथ वो जुड़ सकते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है वो पूरी दुनिया में रेलेवेंट है। जी, ये बताइए कि कुछ ऐसा आपने योजना बनाई है कि अगले 5 साल में या 10 साल में कितनी एक संख्या हो जाएगी, ऐसा कुछ आपने भविष्य की योजना बनाई है? जी हम अभी भी सीख रहे हैं कि क्या चल रहा है और कितना ग्रो कर सकते हैं। हमारा फोकस अभी भारत है, हम चाहते हैं कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया जाए और स्टेबिलिटी के साथ फिर बाकी के देशों में लॉन्च किया जाए, तभी जाकर बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। मयंक, इतना आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता रहे हैं कि कू की खासियत है कि अपनों से अपनी भाषा में बात कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।